हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। नमस्कार, मैं एलएम शर्मा फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम आप लोगों के बीच में एक ऐसा सीरीज लेकर उपस्थित हुए हैं जो शायद ही आपको कहीं पे मिल पाएगा। इस सीरीज का खासियत ये है कि अभी तक जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, चाहे वो यूपीएससी में हो, स्टेट पीसीएस में हो, पीसीएस जेपीएससी हो गया, बीपीएससी हो गया, या अन्य जितने भी स्टेट पीसीएस हैं, सारे क्वेश्चन का मैं एक जगह टॉपिक वाइज डिस्कशन कराने वाला हूँ। टॉपिक वाइज इससे आपको मदद यह हो पाएगा कि आपको सबसे पहले यह समझ में आएगा कि किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और यदि आप इस सीरीज को कंटिन्यू करते हैं तो आपके जो भी एग्जाम के क्वेश्चंस होंगे किसी भी स्टेट पीसीएस के, आप देखेंगे इस सीरीज से लगभग सारे क्वेश्चंस मिलते जुलते होंगे। तो चलिए, इस सीरीज में हम शुरू कर रहे हैं एंशियंट हिस्ट्री से, और उसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे पाषाणकालीन सभ्यता के बारे में। अभी तक पाषाणकालीन सभ्यता से जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं अलग अलग स्टेट पीसीएस में, चाहे यूपीएससी में हो, यूपी पीसीएस में हो, जेपीएससी में हो, बीपीएससी में हो, सारे को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इस सीरीज में हम लगभग 50 क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं और इसी तरह से नेक्स्ट सीरीज में बनाता रहूंगा। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन है कि सबसे पहले का मानव सदृश प्राणी जो प्रागिमानव अर्थात जिसे हम होमो सेपियंस के नाम से जानते हैं, प्रजातीय रूप से भिन्न था, उसे सामान्यतः जाना जाता था, उसे किस नाम से जाना जाता था। और ये क्वेश्चन पूछा गया था आपका यूपीएससी के 2001 में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा पिथिकेंथोपस के रूप में। क्या? पिथिकेंथोपस के रूप में इसे जाना जाता था। यह एक मतलब मानव से मिलता जुलता एक प्रजाति है जो होमो सेपियंस प्रजाति से मिलता जुलता नहीं था, लेकिन उसका रंग रूप जो था, आकार प्रकार जो था, वो मानव से मिलता जुलता था। इस और उस प्रजाति को हम पिथिकेंथोपस के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताम्र पाषाण युग की अवधि मानी जाती है, अर्थात आप जानते हैं कि हमारे जो भी युग है उसे अलग अलग युगों में बांटा गया है, ताम्र युग, कांस्य युग, लोह युग। तो उसी में पूछा गया है कि ताम्र पाषाण युग का अवधि क्या था। तो इसकी जो अवधि थी वो था 3000 से 1000 ईस्वी पूर्व, अर्थात ये जो तांबा का उपयोग करना शुरू हुआ था, आपको मालूम है सबसे पहले हम लोगों ने तांबा का धातु में सबसे पहले तांबा का प्रयोग हुआ था, और इसका जो अवधि था 3000 से लेकर 1000 ईस्वी पूर्व है। उसके बाद हम लोगों ने कांसा का प्रयोग किया, फिर लोहे का प्रयोग किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना किसके कार्यकाल में हुई थी। तो इसकी स्थापना जो है लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में हुआ था। किसके कार्यकाल में हुआ था? लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आमरी संस्कृति कहाँ पनपी थी, अर्थात आमरी संस्कृति जो है ये कहाँ पे पाया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको जानना होगा कि ये आमरी कहाँ का स्थान का नाम है। तो आमरी जो है वो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में पाया जाता है। यह जो आमरी स्थान है वो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। कहाँ पे है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में यह जगह है। ठीक है, और इसकी जो खोज की थी, इस जगह की जो खोज किया था 1929 में, कब? 1929 ईस्वी में एनजी मजूमदार ने। किसने? एनजी मजूमदार। ठीक है, इन्होंने ही इसकी खोज की थी, राइट। तो ये कहाँ पे पनपा है? तो ये सिंध प्रांत में हो जाएगा। और ये सिंध प्रांत कहाँ है? पाकिस्तान में है। ठीक है, और यहाँ से जो प्राप्त था, यहाँ पे चित्रित, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आमरी संस्कृति से हमें सबसे पहले क्या मिला था। तो वहाँ पे हमें चित्रित मृत भांड मिला था। क्या मिला था? चित्रित मृत भांड। ठीक है, मृत भांड कहते हैं मिट्टी से बने हुए बर्तन को, मृत भांड कहते हैं। क्या कहते हैं? मिट्टी से बने हुए बर्तन को हम मृत भांड कहते हैं। जो कुम्हार वगैरह जो बनाते हैं बर्तन ना, वो मृत भांड कहते हैं। और ये चित्रित था, अर्थात उसमें पशु पक्षी के, पेड़ पौधे के उसमें चित्र उकेरे हुए थे। ठीक है, कहाँ पे? आमरी संस्कृति में पाया जाता है। और ये कहाँ पे है आमरी संस्कृति? वो सिंध में है, सिंध प्रांत में, जो कि अभी पाकिस्तान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पूर्व पाषाणकालीन मानव का मुख्य धंधा क्या था, अर्थात पूर्व पाषाणकालीन के जो लोग थे उनका मुख्य धंधा क्या है। जैसे निम्नकालीन, पूर्व पाषाणकालीन, मध्य पाषाणकालीन, अलग अलग युगों में बांटा गया। तो पाषाण काल के पूर्व जो मानव लोग था उनका मुख्य धंधा क्या था, उनका मुख्य व्यवसाय क्या था, ये क्वेश्चन पूछा गया। ये यूपी पीसीएस में पूछा गया था, अर्थात उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन 2006 ईस्वी में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो उनका मुख्य व्यवसाय जो है
क्या था? तो शिकार खेलना उस समय उनका मुख्य व्यवसाय था। मान लो आप लोगों को मालूम होगा कि जैसे पाषाण ये जो युग है इसको अलग अलग हम लोगों ने बांटा था, जैसे कि ये पहला जो होगा पूरा पाषाण काल होगा, फिर मध्य पाषाण काल होगा, फिर नव पाषाण काल होगा। पूरा पाषाण काल का जो ईस्वी है वो 5 लाख ईस्वी पूर्व से 50,000 ईस्वी पूर्व तक है, ठीक है। फिर मध्य पाषाण काल अर्थात मेसोलिथिक एज जो है वो 10,000 ईस्वी से लेकर 7,000 ईस्वी पूर्व तक था। फिर नव पाषाण काल आया, ठीक है, वो 9,000 ईस्वी पूर्व से लेकर 250 ईस्वी पूर्व तक हम नव पाषाण काल अर्थात नियोलिथिक एज के नाम से जानते हैं। तो इसमें जो पूरा पाषाण काल से पूर्व जो काल है उसके बारे में पूछा गया है, तो उस समय आप लोगों को मालूम होगा कि हमारे जो मानव प्रजाति के लोग थे वो जनरली शिकार पर आश्रित थे, ठीक है, वो शिकार पर आश्रित थे, आखेट करते थे और उसी पर वो लोग आश्रित होते थे। उसके बाद जो है हमारा अलग अलग जैसे आया, फिर हमारा मध्य पूरा पाषाण काल आया, तो इसमें क्या हुआ कि आखेट के साथ साथ वो पशु को पालना शुरू कर दिया, जैसे जो जिस जिस पशु का उसे उपयोग होता था उसे वो पालना शुरू कर दिया। फिर नव पाषाण काल आया तो उसमें क्या वो उन लोगों में अस्थिरता आ गया, अर्थात गांव बसाकर रहने लगे, ठीक है, अब खेती करके जैसे पौधों से वो अन्न उपजाने लगे, तो अस्थिर समुदाय में अर्थात सोसाइटी में रहना शुरू कर दिए। इस प्रकार से उनका धीरे धीरे विकास होता गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसे भारत में प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक कहा जाता है? ये कहा जाता है रॉबर्ट ब्रूसफ्रूट को। किसे कहा जाता है? रॉबर्ट ब्रूसफ्रूट को कहा जाता है, और ये एक भूवैज्ञानिक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभिक पूर्ण मानव को किस नाम से जाना जाता था? अर्थात जो स्टार्टिंग का जो मानव था, अर्थात जिसमें मानव के पूर्ण गुण आ गए थे, उसे किस नाम से जाना जाता था? ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, ठीक है, तो इसे क्रोमागन्यो के नाम से जाना जाता था। क्या जाना जाता था? क्रोमागन्यो, ठीक है, ये प्रारंभिक पूर्ण मानव को इसी नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसने कहा था इतिहास विज्ञान है न कम न ज्यादा? अर्थात इतिहास जो है एक साइंस है, न कम न ज्यादा, ये किसने कहा था? तो ये जो कहा था ब्यूरी ने कहा था। किसने कहा था? ब्यूरी ने कहा था। और ये क्वेश्चन आपका उत्तर प्रदेश पीसीएस 2003 ईस्वी में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंडियन एपिग्राफी के लेखक कौन है? इंडियन एपिग्राफी के लेखक है डीसी सरकार। कौन है? डीसी सरकार इंडियन एपिग्राफी के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रागैतिहास का क्या अर्थ है? ठीक है, तो आपको मालूम है कि प्रागैतिहास का मतलब होता है कि वह इतिहास जो पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर लिखा गया, अर्थात इतिहास के पूर्व जितनी भी घटनाएं घटित हुई है जिसका लिखित रूप से हमें साक्ष्य नहीं मिल पाता है, जिसे हम खुदाई के माध्यम से जो मिलता है, अवशेषों के माध्यम से जिसका हम आकलन करते हैं, उसे हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं, ठीक है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पुरातत्व में स्तर विन्यास पद्धति किसको समझने के लिए प्रयोग किया जाता है? जैसे पुरातत्व में देखिए अलग अलग पद्धति है खुदाई करने का, स्तर विन्यास होता है, लंबवत विन्यास पद्धति होता है, अलग अलग पद्धति होते हैं, तो स्तर विन्यास पद्धति में हम भौतिक संस्कृति के क्रमिक निक्षेप जो होते हैं उसके बारे में हम पता लगा पाते हैं। अर्थात जैसे आप जानते हैं किसी भी संस्कृति का जैसे विकास होता है, फिर उसका विनाश होता है, विनाश होने के बाद वो फिर मिट्टी में मिलता है, तो उससे यदि हमको पता करना है तो हम स्तर विन्यास पद्धति के माध्यम से इसे हम पता कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से किस स्थान से गर्त निवासों का पुरातात्विक साक्ष्य मिला है? गर्त का मतलब होता है गड्ढा, अर्थात कहाँ के लोग गड्ढे में रहा करते थे, ठीक है, तो एक इसका आंसर होगा गुफ कराल में, ठीक है, और ये आपका कहाँ पे है? गुफ कराल जो है आपका जम्मू कश्मीर में है। कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस स्थान पर प्रथम भारतीय पुरापाषाण कालीन कलाकृति की खोज हुई थी? तो ये हुआ था पल्लावरम में। कहाँ पे हुआ था? पल्लावरम में, और ये तमिलनाडु में। कहाँ पे है? तमिलनाडु में, तमिलनाडु में आपका ये पल्लावरम पाया जाता है, और यहाँ पे प्रथम भारतीय पुरापाषाण कालीन कलाकृति का इसमें खोज हुआ था। इसकी खासियत क्या थी? यहाँ जैसे पल्लावरम नाम का एक पहाड़ी है, ठीक है, यहाँ पे पल्लावरम नाम की एक पहाड़ी है, और यहाँ से पत्थर का बना हुआ ताबूत मिला। क्या मिला? पत्थर का बना हुआ ताबूत मिला, और यह लगभग जो है 2300 BC अर्थात ईस्वी पूर्व का ये ताबूत है, ठीक है, और
बाद में यह खुदाई के बाद पता चला कि उस समय जो लोग थे वह 12 पैरों पर, क्यों 12 पैरों पर अर्थात 12 खंभों वाला ताबूत बनाने के का जो तकनीक होता है उनको ज्ञात था। ये ताबूत में एक्चुअली 12 जैसे एक ताबूत हुआ, ठीक है, ताबूत हुआ तो इसमें क्या है 12 बड़ा है और इसमें 12 खंभे हैं, 12 पाए हैं, ठीक है। तो ये कैसे बना पाए, उनको तकनीक का ज्ञान था तभी तो उन्होंने बना पाया था। और ठीक है, और ये जो मिला है साक्ष्य वो कहाँ मिला है, पल्लावर में, और यह तमिलनाडु में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लंबवत पुरातात्विक उत्खनन के द्वारा किस संस्कृति के किस पक्ष का विशेष ज्ञान होता है। जैसे अभी आपको बताया कि पुरातत्व विभाग अलग अलग विधियों के द्वारा उत्खनन का कार्य करते हैं, ठीक है, तो लंबवत विधि में हम जो है संस्कृति के काल मापन करते हैं, जैसे किस संस्कृति के लोग थे उसका काल का निर्धारण जो है लंबवत पुरातत्विक उत्खनन विधि के द्वारा किया जाता है। और ये क्वेश्चन पूछा गया था आपका मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन 2008 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसे फलक संस्कृति कहा जाता है, फलक संस्कृति किसे कहा जाता है, ठीक है, तो फलक संस्कृति कहा जाता है मध्य पूरा पाषाण कालीन संस्कृति को। क्यों कहा जाता है, फलक का मतलब होता है कि उपकरणों की संख्या ज़्यादा होना, अर्थात उपकरणों पत्थरों से बने औजारों का बहुत ज़्यादा मात्रा में उस समय प्रयोग होता था, ठीक है, इसलिए उस संस्कृति का नाम फलक संस्कृति कहा गया। और इसका जो प्रयोग होता था सबसे ज़्यादा मध्य पूरा पाषाण कालीन संस्कृति में होता था, इसलिए मध्य पूरा पाषाण कालीन काल को हम फलक संस्कृति के भी नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्राचीनतम कलाकृतियों का प्रमाण संबंधित है, ठीक है, तो यह निम्न पूर्व पाषाण काल से संबंधित है। जैसे जो प्राचीनतम कलाकृतियां हैं वो हमें कहां से मिली है, ठीक है, तो वो जो कार्यकाल था वह क्या था, निम्न पूर्व पाषाण काल था। क्या था, निम्न पूर्व पाषाण काल था। और इसमें जैसे आप को मालूम होगा कि निम्न पूर्व पाषाण काल का जो कार्यकाल था वो 5 लाख से लेकर 50,000, ठीक है, ईस्वी पूर्व यह कार्यकाल माना जाता है। और इस समय क्या होता था कि आग का आविष्कार हो चुका था, मानव समूह बनाकर शिकार या भोजन का संग्रह करते थे, ठीक है। और इसका जो प्रमुख स्थल है या जो साक्ष्य मिला है वो कश्मीर हो गया, राजस्थान का थार हो गया, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर आदि हो गए, बेलन घाटी जो है उत्तर प्रदेश में वहाँ से इनके साक्ष्य मिले हैं, भीम बेटका में भी इसके साक्ष्य मिले हैं। तो वहाँ से हम इसको हम पता कर पाते हैं किसके बारे में, निम्न पूर्व पाषाण काल के बारे में, ठीक है। और उस समय उनका जो मुख्य औजार होता था वो पत्थर के बने हुए, जैसे कुल्हाड़ी हो गया, हस्त कुठार जिसे हम हैंड एक्स कहते हैं, क्या कहते हैं, हैंड एक्स, ठीक है, मतलब हाथ में प्रयोग करने वाले जो कुल्हाड़ी होते उसका प्रयोग करते थे, ठीक है। चोपर का प्रयोग किया जाता था, ठीक है, चोपर का भी प्रयोग किया जाता था। तो ये प्राचीनतम कलाकृतियों में से इसे गिना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गर्त निवास निम्न में से किस संस्कृति का विशिष्ट लक्षण है, ठीक है, गर्त निवास जो है किस संस्कृति का विशिष्ट लक्षण है, तो ये जो है आपका कश्मीर घाटी के नौपाषाणिक संस्कृति का, ठीक है। जैसे वहाँ बुर्जहोम हो गया, वहाँ पे गड्ढे बना के लोग रहते थे, गर्त का मतलब होता है गड्ढा, क्या होता है, गड्ढा, ठीक है, गड्ढा। और इसमें क्या होता था, लोग गड्ढे खोद कर उसमें रहा करते थे। और यह जो है कश्मीर के आसपास के क्षेत्र में यह बहुत ज़्यादा पाया जाता था, तो ये कश्मीर घाटी की नौपाषाणिक संस्कृति का ये एक प्रमुख लक्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्राचीन स्थल गिलुंड का संबंध है, ठीक है, प्राचीन स्थल गिलुंड का संबंध है आहार संस्कृति से, कहाँ से, आहार संस्कृति से इसका संबंध है। और ये जो आहार संस्कृति है आपका, ये राजस्थान का जो उदयपुर का जो क्षेत्र है वो आपका आहार संस्कृति, अर्थात इसे यहाँ पे क्या होता था कि तांबा वगैरह भी पाया जाता था, ठीक है, तो इसका संबंध कहाँ, और ये गिलुंड उसका मुख्यालय समझ लीजिए, गिलुंड उस समय का मुख्य स्थल था और इसका जो है आहार संस्कृति से इसका संबंध है, ठीक है, कहाँ, आहार संस्कृति से। और यह जो कार्यकाल था इसका 2100 से लेकर 1800 BC, ठीक है, इसका आहार संस्कृति का जो कार्यकाल था कितना था, 2100 ईस्वी से 1800 ईस्वी, सॉरी BC ईसा पूर्व की ये घटना है। और इस समय आहार संस्कृति में क्या था कि पत्थर से बने घर होते थे, जो घर होता था वो पत्थर का बना हुआ होता था, उसमें लोग रहते थे। और इसका जो मुख्य केंद्र था वो गिलुंद था, क्या था, गिलुंद था। तो ये आपको ध्यान में रखना कि गिलुंद किससे संबंधित है, तो आहार संस्कृति से संबंधित है। इसका कार्यकाल कितना था, 2100 BC से लेकर 1800 BC, ठीक है,
इस समय लोग पत्थरों से बने हुए घर में रहते थे, और इस समय जो है कुल्हाड़ियाँ चुड़ियाँ चादर वगैरह भी इस संस्कृति में मिला है, जो कि तांबा से बना होता था। आपको मालूम है कि राजस्थान का जो खेतड़ी इलाका है वहाँ तांबा ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। तो वहाँ जो खुदाई के बने हुए हैं वो भी तांबा के बने हुए, इसका अर्थ हुआ कि उस समय लोग तांबे से भी परिचित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ताम्र पाषाण कालीन अर्थात मालवा संस्कृति के अवशेष निम्न में से कहाँ प्राप्त हुए हैं, ठीक है। तो मालवा ये नवदा टोली माहेश्वर से प्राप्त हुआ है, जो कि कहाँ पे है, ये मालवा के पठार से संबंधित यह संस्कृति है और यह आपको मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेसोलिथिक संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल भीमबेटका स्थित है, भीमबेटका कहाँ पे स्थित है। तो आप लोग को मालूम होगा कि भीमबेटका जो है मध्य प्रदेश में स्थित है, यह यहाँ पे शैल्य कलाकृतियाँ बहुत ज़्यादा पाई जाती है, सबसे ज़्यादा पाया जाता है भीमबेटका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में किस वर्ष या किस स्थान पर प्रागैतिहासिक ज्योति हुई भूमि खोजी गई, ठीक है। तो ये आपका है कालीबंगा में, इसे हम सिंधु घाटी में जब हम डिस्कस करेंगे उस समय भी इसके बारे में बताएंगे, यहाँ पे कालीबंगा में जो है ज्योति हुई भूमि सबसे पहले खोजी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, प्रागैतिहासिक अन्न उत्पादक स्थल मेहरगढ़ कहाँ पे स्थित है, ठीक है। तो मेहरगढ़ जो है इसका जो स्थिति है वो आपका बेलन घाटी के किनारे है, और ये बेलन घाटी जो है आपका कहाँ पे, बलूचिस्तान में। कहाँ पे, बेलन घाटी जैसे आपका उत्तर प्रदेश का में भी है, ये उत्तर प्रदेश का जो किनारा है उसे भी बोला जाता है, ठीक है। और मेहरगढ़ आपका बलूचिस्तान में भी है। यहाँ पे क्या प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य मिले हैं, जैसे जो गेहूँ खजूर कपास के यहाँ पे साक्ष्य मिले हैं। यहाँ के लोग जो है आयताकार घरों में रहा करते थे, यहाँ के जो लोग थे वो आयताकार घर बना के रहते थे। ये भी पूछा जा सकता है कहाँ के लोग आयताकार, क्या आयताकार, आयताकार घर बनाकर अपना जीवन यापन करते थे। तो मेहरगढ़ के लोग जो है आयताकार घर बना के रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में व्यवस्थित कृषि का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुआ, अर्थात किस स्थान से लोग व्यवस्थित कृषि करना शुरू कर दिए थे। तो वो भी स्थान क्या है, मेहरगढ़ ही है। क्या है, मेहरगढ़। और मेहरगढ़ में के एक और खासियत था कि यहाँ क्यों इसका प्राचीनतम साक्ष्य मिला, क्योंकि वहाँ लोग क्या है अस्थाई कृषि करना शुरू कर दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सराय नहर राय और महदहा संबंधित है, ठीक है। तो सबसे पहले ये सराय नहर और महदहा जो है ये आपका यूपी में है। कहाँ पे है, यूपी में, उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। और इस जगह की जो खोज किया था वो सी ओझा ने किया था, ये भी पूछा गया है, इसको ध्यान में रखिएगा। एक जगह जो खोजा था किसने खोजा था, सी ओझा ने खोजा था, ठीक है। और इस जगह का खासियत है कि यहाँ 11 मानव समाधि के साथ साथ 8 गड्ढे, कितना, 8 गर्त, ठीक है, गर्त मिले हैं, राइट। तो ये कहाँ से संबंधित हो जाएगा, गंगा घाटी की मध्य पाषाण संस्कृति से, गंगा घाटी की मध्य पाषाण संस्कृति से ये संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय उपमहाद्वीप कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो ये पहले मेहरगढ़ से और अब लहुरादेव से, जिसे पहले मेहरगढ़ में पहले कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य माना जाता था, और यह था इसका कार्यकाल था 6000 ईस्वी पूर्व, ठीक है। लेकिन लहुरादेव में जो है, जो कि यूपी के संत कबीर नगर में ये है लहुरादेव, और ये जो बाद में पता चला, तो यहाँ जो चावल के दाने मिले वो लगभग 9000 से, कितना, 9000 से लगभग और 8000 वर्ष पूर्व की चावल पाए गए। तो पहले ये आपको देखिए दोनों ऑप्शन में रह सकता, मेहरगढ़ भी और लहुरादेव भी। यदि मेहरगढ़ और लहुरादेव दोनों है तो लहुरादेव टिक करेंगे, यदि लहुरादेव नहीं है तब आप मेहरगढ़ करेंगे। मेहरगढ़ में जो चावल प्राप्त हुआ वो 6000 ईस्वी पूर्व का है, लेकिन लहुरादेव में जो चावल प्राप्त हुआ वो लगभग 9000 से लेकर 8000 ईस्वी पूर्व तक का है, ठीक है। तो प्राचीनतम कौन हो गया, लहुरादेव, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपास का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ। कपास का जो प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ वो मेहरगढ़ में, आपको बताया कि मेहरगढ़ में जो है आपका जो गेहूं खजूर कपास आदि का खेती होता था, ठीक है। तो कपास का प्राचीनतम साक्ष्य भी आपका मेहरगढ़ से ही मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुआ। धान की खेती का सबसे प्राचीन जो साक्ष्य है वो आपका उत्तर प्रदेश में कोल्डियोवा है। क्या है,
कोल्डिहवा स्थान है, वहीं से यह मिला है, राइट। और यह कोल्डिहवा जो है लगभग ये यूपी में है, और ये जो साक्ष्य मिला है लगभग 6000 BC का ये कोल्डिहवा जगह का संस्कृति है, अपना इतिहास को समेटे हुए, और यहाँ पे चावल के भी प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस एक स्थल में जंगली तथा बोई जाने वाली दोनों प्रकार की धान, ठीक है, प्रजातियों के प्राचीनतम साक्ष्य खान से मिले हैं। तो ये जो है आपका बेलन घाटी जो कि आपका यूपी में है, ठीक है, वहां से मिला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कुछ क्षेत्रों में लोग जमीन के अंदर गड्ढों में रहते थे, जैसे भारत में जो है कुछ जगह पे लोग जमीन के गड्ढों में रहते थे, और इस बात का संकेत खुदाई से किस राज्य से मिला है, तो यह कश्मीर से मिला है। कहाँ से मिला है? कश्मीर से मिला है। वहाँ जैसे बुर्जोहोम एक जगह है, वहाँ पाया गया कि लोग गड्ढे बनाकर वहाँ पे रहा करते थे। ये जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे किसी न किसी स्टेट PCS या UPSC के एग्जाम में पूछा गया है, और मैं वही सारे क्वेश्चंस को एकदम टॉपिक वाइज लेके आया हूँ। इससे आप देख पाएंगे, समझ पाएंगे कि किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है, और जब तक आप ये नहीं समझेंगे, आप कितना भी पढ़ लीजिए, आपको उस प्रकार का रिजल्ट नहीं मिल पाएगा जिस प्रकार का आप आशा किए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक औजार पूरा पाषाणकालीन संस्कृति से संबंधित है, ठीक है, पूरा पाषाणकालीन संस्कृति आपको बताया है कि जो पूरा पाषाणकालीन, मध्य पाषाणकालीन, निम्न पूरा पाषाणकालीन संस्कृति में क्या अंतर है, उसका कार्यकाल क्या था, वो पहले ही बता दिया। तो उस समय जो संबंधित औजार था वो था कुल्हाड़ी था, घंटासा था, विदारणी था। विदारणी का प्रयोग मतलब जो खरोचने के लिए प्रयोग किया जाता था, ठीक है, कुल्हाड़ी काटने के लिए, घंटासा भी काटने के लिए प्रयोग किया जाता था। तो ये सारे जो है पत्थर के बने होते थे, ठीक है, पत्थर के बने हुए औजार हैं ये सब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार बने थे, ये जो बने थे वो स्फटिक के बने हुए थे, किसके बने थे, स्फटिक के, जो पूर्व प्रस्तर युग अर्थात पूर्व पाषाण, प्रस्तर का मतलब यहाँ पे पूर्व पाषाण काल समझ लीजिए, ठीक है। तो पाषाण काल से पहले जितने भी औजार थे किससे बने थे, पत्थर के बने हुए थे, अर्थात उस समय ना तांबा का खोज हुआ था, ना कांसा का खोज हुआ था, ना लोहे का खोज हुआ था। तो जो औजार बनेगा वो किसका बने था, स्फटिक का ही बनेगा, पत्थर का ही बनेगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रागैतिहासिक कुल्हाड़ियाँ कहाँ से मिलती हैं, ये जो कुल्हाड़ी मिला है अतिरम्पक से मिला है, ठीक है, कहाँ से, अतिरम्पक से मिला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राह के टीले किस क्षेत्र की नवपाषाणिक संस्कृति से संबंधित है, राह के टीले कहाँ पे, जैसे राह के किले मिले हैं तो ये दक्षिण भारत से मिले हैं। दक्षिण भारत में ये कैसे मिले हैं, तो मैं आपको बता दूँ कि जैसे दक्षिण भारत में खुदाई के बाद पता चला कि वहाँ पे बाजरा और चना का अवशेष मिला, किसका, बाजरा और चना का, बाजरा और चना का, ठीक है, इसका खेती होता है। साथ ही साथ वहाँ पे मवेशी के रूप में भेड़ हो गया, क्या, भेड़ बकरी, ठीक है, भेड़ बकरी, इसके साथ साथ अन्य पशु भी वहाँ पे पाले जाने का अवशेष मिला, क्योंकि वहाँ उनके हड्डी मिले हैं, ठीक है। तो उनको एक बाड़े में बंद करके रखा जाता था, फिर उसे पाला जाता था, तो इनके द्वारा जो गोबर होता था उसे जमा किया जाता था, ठीक है, जमा करने के बाद एक जगह पे उसे हमेशा पोंगल के दिन में, ठीक है, जो कि मकर संक्रांति के दिन में दक्षिण भारत में मनाया जाता है पोंगल, ठीक है, उस दिन वहाँ पे ये सारे जो गोबर होते थे उसे जलाया जाता था, और ये हमेशा जलाया जाता था, हर साल जलाया जाता था, जिसके कारण यहाँ पे जलाने के बाद क्या होता, राख होगा, तो बार बार एक ही जगह पर जलाया जाएगा तो क्या, वहाँ राख के टीले बन जाएंगे। तो वही पूछा गया है कि राख के टीले किस क्षेत्र की नवपाषाणिक संस्कृति से संबंधित है, और ये जो होता आ रहा है नवपाषाणिक काल से ही होता आ रहा है, ठीक है, तो ये दक्षिण भारत की से संबंधित है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मध्य पाषाणिक संदर्भ में वन्य धान का प्रमाण कहाँ से मिला है, अर्थात जंगली धान का प्रमाण कहाँ पे मिला है, तो ये चुपानी मंडो में मिला है, कहाँ पे मिला है, चुपानी मंडो, अरिया यूपी में है, कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। और यहाँ से मृदभांड बनाने की परंपरा भी मिली है, यहाँ से मृदभांड भी मिला है। मृदभांड का मतलब बताया आपको कि मृदभांड किसे कहते हैं, मिट्टी के बर्तन को हम मृदभांड कहते हैं, ठीक है। और यह चुपानी मंडो कहाँ पे है, यूपी में है। और ये क्वेश्चन कहाँ पे पूछा गया था, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन 2008 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस नवपाषाणिक कालीन पुरास्थल से गर्त निवास के प्रमाण मिले हैं, कहाँ से गर्त निवास के, फिर से वही अर्थात गड्ढा में रहने वाले लोग, गड्ढे बनाकर रहने वाले लोग को हम गर्त निवास कहते हैं, ठीक है। और यह जो है बुर्जोहोम से मिला है, कहाँ से, बुर्जोहोम से, और यह कश्मीर में है, कहाँ पे है, कश्मीर में है। तो ये जो लोग थे
गड्ढे बना के अपन घर बनाते थे, उसी में रहते थे, अपना ठंड से गर्मी से अपने आप को बचाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस पुरातत्विक स्थल से प्रारंभिक ऐतिहासिक युग के विविध लोह उपकरण प्राप्त हुए, अर्थात मध्य प्रदेश के कौन से जगह है जहाँ से पुरातत्विक ऐतिहासिक युग के लोह उपकरण आदि प्राप्त हुए हैं। तो ये जो है नागदा, नागदा जो कि कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में है, वहाँ से लोहे के उपकरण मिल रहे हैं जो कि प्रारंभिक ऐतिहासिक युग से संबंधित है, पुरातत्व, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रॉबर्ट ब्रूसफुट को भारत में सर्वप्रथम पूर्वपाषाणकालीन उपकरण कब मिले, ये जो मिला था इन्हें 1863 को मिला था, और ये शुतुरमुर्ग का अंडा इनको सबसे पहले मिला था, क्या मिला था, शुतुरमुर्ग का अंडा मिला था, किसको, रॉबर्ट ब्रूसफुट को, ठीक है, कब मिला था, 1863 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रॉबर्ट ब्रूसफुट जिन्होंने भारत में प्रथम पूर्वपाषाणिक उपकरण की खोज की वो क्या थे मूलतः, तो वह एक भूवैज्ञानिक थे, क्या थे, भूवैज्ञानिक थे, अर्थात वो भूमि से संबंधित जो घटनाएं होती थी उसके बारे में वो एक्सपर्ट थे। आप देख रहे होंगे ये सारे क्वेश्चंस जो हैं किसी न किसी स्टेट पीसीएस के एग्जाम में पूछा गया है, तो आप समझ रहे होंगे ये क्वेश्चंस कितने इंपॉर्टेंट हैं, और आपको एक ही जगह पे मैं कलेक्ट करके देने का कोशिश किया हूँ, ताकि आप जैसे जैसे पूरा पाषाण काल है तो जो सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं आप एक जगह देख लिए, आपको अंदाजा लग गया होगा कि किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आपको तैयारी किस प्रकार से करना है। मैं पूरा डिटेल्स में तो नहीं बता सकता क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए शॉर्ट शॉर्ट में जो भी डिस्क्रिप्शन है मैं देते जा रहा हूँ, ठीक है। निम्न में से किस ताम्रकालीन स्थल से तांबे के प्रयोग का साक्ष्य मिलता है, ठीक है, किंतु प्रस्तर उपकरण नहीं प्राप्त हुए, ठीक है, वहाँ तांबा का प्रयोग औजार तो मिला लेकिन कोई पत्थर का नहीं मिला, तो उस स्थान का नाम क्या है, आहार, ठीक है, क्या है, आहार। आपको बताया कि आहार संस्कृत जी का जो कार्यकाल था क्या था, 2100 से लेकर 1800 BC, बताया ना आपको, ठीक है। और इसमें क्या था कि पत्थर से बने हुए घर होते थे, वहीं पे रहते थे, ठीक है, और इसका जो क्षेत्र था राजस्थान में था, कहाँ था, राजस्थान में, ठीक है, राजस्थान में जो उदयपुर वगैरह का जो क्षेत्र है वो संस्कृति, और इसका जो मुख्यालय था, जो मुख्य केंद्र था, गिलुंद था, ये बार बार पूछा गया, गिलुंद था, आहार संस्कृति का जो केंद्र था क्या था, गिलुंद, जो कि राजस्थान में है, ठीक है, यहाँ से तांबे की बनी हुई कुल्हाड़ी, चूड़ियाँ, चादरें आदि भी तांबे की बनी हुई यहाँ पे मिला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बेलन घाटी से प्राप्त औजार किस काल से संबंधित है, तो बेलन घाटी से जो प्राप्त है वो निम्न पुराकाषाण काल से संबंधित है, कौन, बेलन घाटी के जितने भी औजार हैं वो पूर्ण कब के हैं, निम्न पुरापाषाण काल युग के हैं। आपको बताया कि इसका जो निम्न पुरापाषाण काल का जो स्थल है वो कश्मीर है, राजस्थान है, कथार का जो मरुस्थल है, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में स्थित जो बेलन घाटी है, वो सारे जो हैं, इस साथ ही साथ भीमबेटका की गुफाएं भी आपका निम्न पुरापाषाण काल से संबंधित है, सोहन घाटी भी आपका यहीं से निम्न पुरापाषाण काल से ही संबंधित है, कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश के जो भी कुछ क्षेत्र जो है वो भी आपके निम्न पुरापाषाण काल से संबंधित है, और निम्न पुरापाषाण काल का जो कार्यकाल था वो 25 लाख से लेकर 25,000, ठीक है, 25,000 ईस्वी पूर्व का समय को हम निम्न पुरापाषाण काल कहते हैं, ठीक है। इस समय लोग आग का आविष्कार कर चुके थे, शिकार भोजन जो है समूह बनाकर करते थे, अकेले नहीं करते थे, झुंड में जाते थे और बड़े बड़े जानवर को मार के लाते थे, फिर उसे ही पका के खाते थे आग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सोहन घाटी का संबंध किससे है, फिर वही बताया आपको, सोहन घाटी, बेलन घाटी आपका सारे ये निम्न पुरापाषाण काल से ही संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, तो आप ये जो बताया कि भीमबेटका जो है, अभी जस्ट आपको बताया कि भीमबेटका जो मध्य प्रदेश में है उसमें जो है चित्रकला किया गया, पत्थरों में चित्रकला किया गया, और ये जो संबंध है इसका प्रागैतिहासिक अर्थात निम्न पुरापाषाण काल से संबंधित है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि प्रागैतिहासिक गुफा चित्रकला कहाँ पाई गई, वही भीमबेटका में ही पाया गया है, बार बार ये रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया है। हड़प्पा की कनिष्ठकालीन संस्कृति किससे संबंधित है, तो ये जो संबंधित है वो आपका कायथा संस्कृति से, किससे है, कायथा संस्कृति से ये संबंधित है, और कायथा संस्कृति ये जो है आपका मध्य प्रदेश, कहाँ पे ये पाया जाता है, मध्य प्रदेश में उज्जैन का नाम सुने होंगे, कहाँ, उज्जैन का आप लोग नाम सुने होंगे, यहीं पे पाया जाता है, ठीक है, और यहाँ से जनरली जो है
कायथा हो गया, आहाड़, मालवा, जनरली इसी के संस्कृति के अधीन माना जाता है। इस संस्कृति को, कायथा संस्कृति को हम सुंग कुषाण गुप्त युग की संस्कृति भी कहते हैं। क्या? सुंग कुषाण गुप्त युग का संस्कृति भी कहते हैं। क्यों? इन लोगों का भी इस पर प्रभाव पाया जाता है, इसलिए हम कायथा संस्कृति को सुंग कुषाण गुप्त युग संस्कृति भी कहते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस संस्कृति को हम सुंग कुषाण गुप्त युग संस्कृति भी कहते हैं, तो वो कायथा संस्कृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि प्रागैतिहासिक काल का कौन सा स्थल ताम्रवती के नाम से जाना जाता था। तो ये जो था आहाड़, आपको बताया आहाड़ जो है राजस्थान का क्षेत्र था, राजस्थान का क्षेत्र में सबसे ज़्यादा तांबा पाया जाता है, तो ये जो क्षेत्र था राजस्थान में ही पाया जाता था। ठीक है, राजस्थान में ही पाया जाता था, राइट, और इसे हम ताम्रवती के भी नाम से जानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होमो इरेक्टस का एक कपाल निम्न में से किस स्थान से प्राप्त हुआ है? ये प्राप्त हुआ है नर्मदा घाटी से। नर्मदा घाटी आपको मालूम है कि मानव कंकाल सबसे पहले नर्मदा घाटी के किनारे ही हथनोरा में पाया गया। कहाँ पे? हथनोरा में। ठीक है, और ये जो खोज हुई थी 1982 में हुआ। कब हुआ? ये पाया गया 1982 में, इसकी खोज की गई, और जब खोज करने के बाद जब इसका देखा गया तो इसमें क्या 70,000 वर्ष पूर्व, कितना 70,000, आप इमेजिन कीजिए कितना हजार वर्ष पूर्व के जो लोग थे यहाँ पे रहने लगे थे, उस समय का मानव कंकाल यहाँ पे प्राप्त हुआ है। ठीक है, कहाँ पे? हथनोरा में, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नपुरा स्थलों में से किस एक में भारत के प्रागैतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म मिला है? तो वही हथनोरा में, जो कि 70,000 वर्ष पुराना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस मध्य पाषाण कालीन पुरा स्थल में मृग श्रृंग के छलनों के माला के प्रमाण मिले? देखिए यहाँ एक कंफ्यूजन क्वेश्चन है, इसे दो प्रकार से पूछा जाता है। यदि मृग श्रृंग के छल्ले बोले तो महदहा, कहाँ पे? महदहा हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, जो कि उत्तर प्रदेश में, महदहा और सराय नहर राय बताया ना आपको कि यह कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में। यदि मृग श्रृंग के छल्ले बोला जाए तो आपको आपका आंसर क्या हो जाएगा? महदहा। लेकिन यदि हिरण के सींगों से बने उपकरण पूछा जाए तो आपका बिहार के चिरांद में, कहाँ पे? बिहार के चिरांद, एक जगह का नाम है बिहार में, वहां से जो है हिरण के सिंगों के बने उपकरण मिले हैं। सिंग का बना हुआ उपकरण जो है आपका बिहार के चिरांद में मिला है, लेकिन छल्ले की माला जो है आपका मादाहा, जो कि उत्तर प्रदेश में है, वहां मिला था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस मध्य पाषाणिक स्थल से हड्डी के बने आभूषण प्राप्त हुए हैं? हड्डी के बने हुए आभूषण, ठीक है, तो यह भी आपका मादाहा में ही मिला हुआ है। कहाँ पे? महदहा में, जो कि यूपी में है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है? पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो ये जो मिला है आपका बागौर से मिला है। कहाँ पे? बागौर में। और ये भी जो स्थान है राजस्थान में है। कहाँ? राजस्थान का जो भीलवाड़ा का क्षेत्र है, राजस्थान का जो आपका भीलवाड़ा का क्षेत्र है, वहीं पर ये बागौर स्थान है। और यहाँ से एक और खासियत है कि पाँच मानव कंकाल एक साथ मिले हुए हैं। ठीक है, इनके अवशेष जो है यहाँ पे मिले हुए हैं। तो आपको ये सीरीज कैसा लगा आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। ठीक है, और इसका नेक्स्ट सीरीज हम फिर से लेकर उपस्थित हुए होंगे। ठीक है, आप लोगों को एक जानकारी दे दूँ कि हमारा प्ले स्टोर पर एक JCC एडुकेशन के नाम से एप्लीकेशन है, उसे आप डाउनलोड करके फ्री में टेस्ट दे सकते हैं और अपना रैंक भी देख सकते हैं, और बहुत सारे वहाँ पे कोर्स भी अवेलेबल हैं जिसे आप एक्सप्लोर कीजिए। ज़्यादा जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर कॉल करके प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।